हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल इंटेलिजेंस टॉक विद जीजी में। दोस्तों, यूरोप में वैकेशन हम में से बहुत सारे इंडियंस का ड्रीम होता है, तो हमें इसके लिए शेनेगन वीजा चाहिए होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि शेनेगन वीजा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से फिल करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस पॉइंट में आपको क्या फिल करना चाहिए। तो इसके लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये हमने फॉर्म ओपन कर लिया है। यहां पर जो फर्स्ट नंबर का फील्ड है आपका, वो है सरनेम, मींस आपको यहां पर अपना सरनेम लिखना है। सेकंड नंबर की फील्ड है सरनेम एट द बर्थ। ये फील्ड जो है एक्चुअली ये फीमेल के लिए एप्लीकेबल है। अगर फीमेल का सरनेम आफ्टर द मैरिज चेंज हो चुका है तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ये बिफोर द मैरिज जो उनका सरनेम था वो यहां पर वो फिल करेंगी, ठीक है। और आफ्टर द मैरिज जो सरनेम उनका हुआ है वो फर्स्ट नंबर की फील्ड में फिल करेंगी। यदि उनका सरनेम चेंज नहीं हुआ है तो वो दोनों फील्ड में सेम सरनेम फिल कर देंगी, ठीक है। और स्पेशली आपको जो आपका पासपोर्ट में सरनेम है वही लिखना है दोनों ही फील्ड में। अगर आपका सरनेम जो है वो बाकी जगहों पर चेंज हो भी चुका है, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, बट अगर आपका पासपोर्ट में चेंज नहीं हुआ है तो पासपोर्ट में जो सरनेम होगा वही आपको यहां पर फिल कर देना है। नाउ अब नेक्स्ट फील्ड की तरफ आते हैं। फील्ड नंबर 3 में आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। नेक्स्ट फील्ड नंबर 4 में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डे मंथ ईयर वाइज, लाइक 06/03/1987, ठीक है। नाउ प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगा वो आप फिल कर सकते हैं यहां पर। लाइक अगर आप दिल्ली में आपका बर्थ प्लेस है तो आप दिल्ली लिख सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, करेंट नेशनलिटी अगेन इंडिया। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका कंट्री ऑफ बर्थ एंड करेंट नेशनलिटी दोनों ही अभी सेम है, तो इंडिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका सेक्स, तो मेल या फीमेल अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं। नाउ फील्ड नंबर 9 में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड फिल कर दीजिए, सिंगल है तो सिंगल फिल कर दीजिए, और भी अदर ऑप्शन है आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फील्ड नंबर 10 में आपको लिखा है इन द केस ऑफ माइनर्स सरनेम फर्स्ट नेम एड्रेस एंड नेशनैलिटी ऑफ द लीगल गार्जियन। तो यहां पर ये माइनर्स के लिए फील्ड है, तो उनके पेरेंट्स उनके बिहाफ पे ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके एडल्ट्स हैं उनके लिए फील्ड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट 11 नंबर की फील्ड नेशनल आइडेंटिटी नंबर, तो यहां पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आधार नंबर आपको नेशनल आइडेंटिटी नंबर में फिल करना है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, तो यहां पर आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम लोगों के पास होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आपका होता है नंबर ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, तो यहां पर आपको अपने पासपोर्ट का नंबर फिल करना है, ठीक है। आप अपने पासपोर्ट में ओपन करके देख सकते हैं, आपको स्टार्ट में ही नंबर दिख जाएगा पासपोर्ट का नंबर, उसे आपको यहां पर फिल कर देना है। डेट ऑफ इश्यू, जहां पर पासपोर्ट का नंबर लिखा होता है वहीं पर इश्यू डेट भी लिखी होती है, और वैलिड अंटिल ये भी लिखा होता है, ठीक है। और इश्यूड बाय, सपोज करिए अगर आपका पासपोर्ट न्यू दिल्ली से बना है, न्यू दिल्ली से इश्यू हुआ है, ठीक है, तो आप न्यू दिल्ली लिख देंगे, क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट फील्ड है एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, बेसिकली पासपोर्ट में जो आपका एड्रेस होता है, ठीक है, वो चेंज हो चुका होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पासपोर्ट आपने 5 ईयर 8 ईयर्स पहले बनवाया होता है तो पासपोर्ट का एड्रेस और आपका होम एड्रेस सेम नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जहां करेंटली रह रहे हैं आपका करेंट एड्रेस आपको यहां पर फिल करना है, और उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है। अगर आपका घर खुद का है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, और अगर आप रेंट पे रहते हैं, ठीक है ना, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने शहर से बाहर किसी और सिटी में रह रहे हैं, तो आप रेंट पे अगर रह रहे हैं तो आप वहां पर रेंट एग्रीमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा रेंट एग्रीमेंट लास्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है,
ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स का, क्योंकि आप बैक डेट में जाके तो रेंट एग्रीमेंट बना नहीं सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, एफिडेविट बनवा लेना है कि आप इस प्लेस में रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों एफिडेविट बहुत इजीली बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही साथ इस फील्ड में आपको अपना ईमेल एड्रेस भी फिल कर देना है, जो कि बहुत ईजी होगा आई थिंक आप सभी के लिए। नाउ नेक्स्ट टेलीफोन नंबर, आप अपना यहां पर मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। नाउ 18 नंबर की जो फील्ड है आपकी, रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करेंट नेशनैलिटी, तो अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आपके लिए फील्ड एप्लीकेबल ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट है आपका करेंट ऑक्यूपेशन, तो आप जो भी जॉब कर रहे हैं या आप अगर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर वो इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं तो आप लिख सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। नाउ नेक्स्ट आपका 20 नंबर का फील्ड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, तो यहां पर आपको जहां भी आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम लिखना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका एड्रेस देना है विद टेलीफोन नंबर। स्टूडेंट्स के लिए वो कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम और उसका एड्रेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, तो यहां पर टूरिज्म है अगर आपका तो आप टूरिज्म लिखिए, और कोई अदर फील्ड है तो वो भी आप यहां पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन, यहां पर आपको जिस जिस कंट्री में आप विजिट करने वाले हैं उन कंट्रीज का नाम लिखना है। जैसे कि सपोज करिए आप इटली जा रहे हैं और फ्रांस जा रहे हैं, तो आपको इटली एंड फ्रांस बोथ नेम लिखने हैं, ठीक है। जहां से आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वहां का नाम नहीं लिखना है, आपको दोनों कंट्रीज का यहां पर नाम लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, सपोज करिए आप पहले इटली जा रहे हैं देन फ्रांस, तो आप यहां पर इटली लिख देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, जनरली सिंगल एंट्री आप फिल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मल्टीपल एंट्रीज भी फिल कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज कब आपके लिए यूजफुल होगी, जब सपोज करिए आपको वीजा 1 साल के लिए मिल गया या थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए मिल गया, और आप उस बीच में दोबारा भी जा सकते हैं अगर आपका जो वीजा है वो मल्टीपल एंट्रीज वाला है, ठीक है। और सपोज करिए अगर आप एक ही बार जाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपने प्लान बनाया है कि आप मार्च में 10th मार्च से 25th मार्च तक यूरोप विजिट करना चाहते हैं फॉर टूरिज्म पर्पस, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सिंगल एंट्री फिल कर देंगे यहां पर। नाउ नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे और ट्रांजिट, ठीक है, तो यहां पर जितने भी दिन आप रहने वाले हैं आपको यहां पर नीचे लिखना है इंडिकेट नंबर ऑफ डेज में, और यहां पर आपको डेट लिख देनी है। जैसे सपोज करिए जैसे मैंने आपको बोला 10th मार्च से 25th मार्च 2019, तो आप यहां पर लिख देंगे 10th मार्च 2019 टू 25th मार्च 2019, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका पॉइंट नंबर 26, इसमें आपको बोला है शेनिगन वीजास इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स, अगर आपको पिछले 3 साल में कभी भी इश्यू हुआ है तो आप यहां पर यस करेंगे, अदरवाइज नो लिख देंगे। ऑब्वियस सी बात है जो ये वीडियो देख रहा है उसे इश्यू नहीं हुआ होगा तभी वो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी शेनिगन वीजा ले चुका है उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है, तो यहां पर आप नो फिल कर देंगे। अगेन पॉइंट नंबर 27 भी सेम है, फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेनिगन वीजा, ठीक है, तो अगर नो है तो आप नो फिल कर दीजिए, अगर आप पहली बार शेनिगन वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आपको नो ही फिल करना है। नाउ नेक्स्ट है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, ठीक है, तो यहां पर यह आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये पॉइंट नंबर, अगर आप वापस इंडिया ही आ रहे हैं तो यहां पर आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है, और जहां जहां आपको कुछ भी फिल नहीं करना होगा वहां पर आप सिंपली लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एन ए लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन द शेनिगन एरिया, ठीक है, जिस डेट पर आप अराइव हो रहे हैं, जिस डेट पर आप पहुंच रहे हैं शेनिगन एरिया में, जिस भी कंट्री से आप एंटर कर रहे हैं, सपोज करिए अगर आप 10th मार्च को पहुंच रहे हैं इटली रोम में, तो आप 10th मार्च यहां पर फिल कर देंगे। सेम 30th जो पॉइंट है आपका डिपार्चर, तो यहां पर सपोज करिए अगर आप 25th मार्च को वापस दिल्ली आ रहे हैं, 25th मार्च को आप शेनिगन एरिया को लीव कर रहे हैं, तो यहां पर आप लिख देंगे 25th मार्च।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 31st पॉइंट, सरनेम एंड द फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट, इफ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ द होटल। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है वहां से, तो आप उसका सरनेम फर्स्ट नेम लिख देंगे, उसका एड्रेस भी शो कर देंगे। अदरवाइज जो मैक्सिमम लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है वो होता है कि वो खुद से ही एज अ टूरिज्म पर्पस जा रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे होटल बुक कराते हैं वाया टूरिस्ट कंपनी या वो खुद से ही बुक कराते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, सपोज करिए अगर आप इटली रोम में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके अलावा भी 5 से 6 सिटीज और घूमने वाले हैं, लाइक आप पेरिस, वेनिस, फ्लोरेंस, ठीक है, प्राग, और भी सिटीज घूमने वाले हैं, लेकिन अगर आप इटली रोम से एंटर कर रहे हैं तो आपको रोम में जो आपने होटल बुक कराया है उसका आपको कंप्लीट एड्रेस लिख देना है, और कुछ भी आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मींस आपको फर्स्ट सिटी, जिस फर्स्ट सिटी में आप रहने वाले हैं उस होटल का कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर फिल कर दीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, इसमें आपको एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, ठीक है, तो वो सेम पॉइंट है, 31st पॉइंट ही है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है। तो यहां पर आपको होटल का ही एड्रेस फिल करना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 32 पॉइंट, इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी, तो इन लोगों के लिए है जो कि कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, ठीक है, या उन्हें कोई कंपनी इनवाइट कर रही है, तो अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो ये ऑप्शन भी आपके लिए नॉट एप्लीकेबल ही होगा। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा ऑप्शन जो है 32 वाला, ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 33 पॉइंट, कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स स्टे इज कवर्ड, ठीक है, तो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ, तो अगर आप खुद से ही अपना पूरा कॉस्ट उठा रहे हैं तो आप यहां पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो मींस ऑफ सपोर्ट में कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड अकोमोडेशन, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, अदर, ये सारी चीजें जो जो आपने बुक करा लिया है वो आप यहां पर फिल कर दीजिए। ठीक है, लाइक प्रीपेड अकोमोडेशन, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और अगर आप कैश लेके जा रहे हैं तो कैश फिल कर दीजिए, ट्रेवलर्स चेक, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास वो यहां पर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ अदर भी है आपके पास तो वो भी आप फिल कर सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, सपोज करिए आप ये फॉर्म अपनी वाइफ के लिए फिल कर रहे हैं, ठीक है, आप और आपकी वाइफ जा रहे हैं फॉर अ टूरिज्म पर्पस और आप ही स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरे टूर को, तो यहां अगर दो लोग हैं तो दो अलग अलग फॉर्म आपको फिल करने होंगे। तो यहां पर अगर आप अपनी वाइफ के लिए फिल कर रहे हैं ये फॉर्म, तो यहां पर आप अदर में लिखेंगे और अदर में जाके लिख देंगे हस्बैंड। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है, या इसके अलावा और कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सपोज करिए आप एज अ टूरिज्म पर्पस जा रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप अदर में जाएंगे और पेरेंट्स लिख देंगे, फादर लिख देंगे। ठीक है, नाउ मींस ऑफ सपोर्ट में अगेन कैश, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, जो भी है, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड ड्यूरिंग द स्टे, अगर आप इसे टिक कर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्सनल डेटा ऑफ फैमिली मेंबर हु इज एन EU, EEA और CS सिटीजन। ठीक है, तो अगर आप सारा बुकिंग खुद से ही करा रहे हैं, आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है, तो ये फील्ड भी आप NA ही कर दीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव वहां रहता भी है तो भी आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के पास ही जा रहे हैं तब तो आप इसे फिल करेंगे, अदरवाइज यहां पर भी आप NA लिख देंगे अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो ये 34 जो आपका पूरा पॉइंट है वो NA हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है आपका 35th पॉइंट, इसमें है फैमिली रिलेशनशिप विथ एन EU, EEA और CH सिटीजन, अगेन NA हो जाएगा आपका। नाउ 36 पॉइंट में प्लेस एंड डेट, तो आपको यहां पर क्या करना है, सपोज करिए अगर आप न्यू दिल्ली, VFS दिल्ली से अगर आप वीजा अप्लाई करने वाले हैं, आपको पता ही होगा कि आप शेनेगन वीजा जो है VFS से अप्लाई करते हैं, तो अगर आप VFS से अप्लाई कर रहे हैं, VFS दिल्ली से, तो आप न्यू दिल्ली पुट करेंगे और जिस डेट पे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने वाले हैं और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं उसके लिए आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेनी होती है VFS से, तो वो डेट आप फिल कर देंगे, वो डेट आपको पहले से ही पता होगी। नाउ नेक्स्ट है सिग्नेचर, यहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि 37 जो पॉइंट है और ये जो नीचे है प्लेस एंड डेट एंड सिग्नेचर, क्या हमें दोनों जगह सिग्नेचर एंड प्लेस एंड डेट फिल करना है कि सिर्फ एक जगह? तो मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों जगह ही फिल करना है,
प्लेस एंड डेट आपको 36 पॉइंट और 37 पॉइंट में सिग्नेचर, एंड आपको सबसे लास्ट में जो प्लेस एंड डेट और सिग्नेचर का ऑप्शन है वो भी आपको फिल करना है, ठीक है। ये फिल करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखाया है। शेनेगन वीजा के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, जहां पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि शेनेगन वीजा आप कैसे अप्लाई करें और आप कौन कौन सी प्रिकॉशन रखें कि जिससे आपको शेनेगन वीजा 100% मिल ही जाए, ठीक है। पूरे के पूरे आपके जेन्युइन तरीके होंगे, जो भी रूल्स हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू शेनेगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू शेनेगन वीजा कैसे अप्लाई करें इंडिया से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज आपके लिए बना सकूं। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय।